नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों से वार्ड सचिवों को कोई ताजा अपडेट नहीं मिली है, जिसको लेकर आप वार्ड सचिवों का कहना है कि सर वार्ड सचिवों को लेकर कोई नई अपडेट बताएं। तो नमस्कार, मैं हूं संतोष और वार्ड सचिवों के लिए ताजा जानकारी लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के पुराने वार्ड सचिव पटना के गर्दनी बाग में लगभग 168 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सरकार के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब पुराने वार्ड सचिवों के द्वारा भी धरना प्रदर्शन में खास रुचि नहीं दिख रही है, क्योंकि धरना प्रदर्शन में वार्ड सचिवों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। सरकार के द्वारा पुराने वार्ड सचिवों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड सचिवों का मनोबल टूट रहा है। फिर भी वार्ड सचिवों के द्वारा यह धरना को कंटिन्यू किया गया है। वार्ड सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू कुमार के द्वारा इस धरना को कंटिन्यू किया जा रहा है। साथ में कुछ एक्टिव वार्ड सचिवों के द्वारा पुराने वार्ड सचिवों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, हम सभी को एकजुट होकर धरना को कंटिन्यू करना होगा, तभी हमारी मांगों को सरकार पूरा करेगी। अब बात करें नए वार्ड सचिवों की, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा पुराने वार्ड सचिवों को नकारते हुए नए वार्ड सचिवों के पक्ष में एक पत्र जारी किया था कि नए वार्ड सचिवों को जल्द से जल्द चयनित करके उन्हें पूर्ण रूप से प्रभार दिया जाए, ताकि पंचायत में ठप पड़े विकास कार्यों को शुरू किया जा सके। और इसको लेकर नए वार्ड सचिवों का चयन प्रक्रिया में तेजी आई है। तो पुराने वार्ड सचिवों के लिए सबसे ताजा अपडेट यही है कि फिलहाल नए वार्ड सचिवों पर ही पंचायती राज विभाग के द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है, और पुराने वार्ड सचिवों की जो मांग है कि उन्हें फिर से कार्यरत किया जाए और जो उनका बकाया भत्ता है उसे वापस दिया जाए, तो फिलहाल अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।